अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत होंगे। सो फाइनली वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग का आगाज़ होता है यहाँ से। सो मेरी जो है ना वो बैग रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। आज जो है वो ट्यूसडे था, तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना है अभी, और यूनिवर्सिटी जाके जो है वो आज मैंने आप अपने दोस्तों से भी मिलना, बहुत सारे लेक्चर्स भी लेने हैं। सो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मैं घर से निकलने लगी हूँ। मुझे तो गाइस मैं इधर बस स्टॉप पर आ चुकी हूँ, मैं बस का विकेट कर रही हूँ। तो मौसम आज ठीक है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, धूप निकली हुई थोड़ी थोड़ी, बट ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अब हम लोग यूनिवर्सिटी चलेंगे, फिर मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाके दिखाऊंगी। सो आप लोग ने बस मेरे साथ रहना। अभी तो यूनिवर्सिटी में पहुँच चुकी हूँ और भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बस पहुँच चुकी हैं। तो हम लोगों ने क्लास में जाना है और उन्होंने अपना लेक्चर लेना है। आज हमारी जो है ना इस्लामियत की मेकअप क्लास है जो 11 से है, और उसके बाद हमारी क्लासेज ही क्लासेज है। 12 बजे भी, 1 बजे, 2 बजे भी और 3 बजे भी क्लासेज है। 4 बजे हम लोगों ने फ्री होना है। सो बस अब पता नहीं क्या बनता है, कितनी क्लासेज हम कैसे अपने आप से मतलब कि बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरे से कनेक्टेड रहना है, आप लोगों को जाकर दिखाती हूँ। मुझे तो हम लोग की क्लास तो खत्म हुई थी, बट हमें भूख लगी थी। मेरी दोस्त जो है ना वो यही से कहते हैं यखनी पुलाव लाई थी, तो हमने कहा कि चलो जी अब यही खा लिया जाए बैठ के। तो हमें सिर्फ 10 मिनट फ्री मिले थे, तो हमने सोचा ये खा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो ये इधर देखना, ये अपने हाथ दिखा लिए, मेरे हाथ बहुत वाइट हैं, बहुत वाइट हैं, और फिल्टर में से कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। फिर हैं जरा हम लोग खाना खा लें, फिर मैं आप लोगों को आगे जो है ना वो दिखाती हूँ। सेम सेम है, बिल्कुल सेम दीदी। ये मुझे एक नंबर दिया मैम ने, और इसको मैंने 0.5 दिया हमने। यार सेम था, बिल्कुल सेम, एक लफ्ज भी हमारा चेंज नहीं है। मैम ने भी व्लॉग देख कोई नहीं कोई नहीं। और जो है ना वो यार हम लोगों ने लॉन्ग किया था यार, ये नहीं था पता कि 10 आ जाएंगे। हाँ, और हमारे 10 आ गए। माय गॉड, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। मुझे इसका डाउट हो रहा था, मैंने कहा यहाँ से ना खराब हो जाए, लेकिन ये सही हो गया। लेकिन वैसे हमें लगा था ये बहुत मुश्किल लोग हैं, लेकिन नंबर हम आप लोग बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बस अच्छे हैं, अच्छे हैं। ये तो भाई टॉप टॉप है, हम क्या कहते हो। तो फाइनली गाइज हम लोग के सारे लेक्चर्स हो गए थे। अभी जो है वो मैं यकीन करें 11 बजे की मैं बैठी पढ़ रही हूँ, और अभी ये 4 बज गए हैं, और हम लोग तकरीबन अभी निकले हैं क्लास से बाहर। मैम ने जाने नहीं दिया बाहर, तो हम लोगों को भूख लगी, हमें क्लास में बैठ के खाना भी खा लिया। सो अभी हम लोग बाहर आए हैं, तो अभी हम लोग ने जाना है कैफ़े, कुछ पीते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्टे कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटी इस टाइम सारी की सारी खाली हो चुकी है, कोई भी नहीं आया। तो हम लोग जा रहे हैं कैफ़े, क्योंकि छुट्टियाँ हुई हैं, तो जिसकी वजह से सारी हमारी यूनिवर्सिटी खाली होती है। हमें मन हूँ हमें नहीं छुट्टियाँ दी, हमें गर्मी नहीं लगती ना। देखिए यार आजकल तो गर्मी है भी नहीं, इतना अच्छा मौसम है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कैफ़े, क्योंकि हम लोग ने कुछ भी नहीं पिया था, और मैं जितने दिन घर ही मैंने सबसे ज़्यादा ज़ायरा स्लश मिस किया है। मेरा दिल करता था मैं बस स्लश पीऊँ और कुछ भी ना। तो फाइनली जो है ना वो आलू बुखारे वाला स्लश। सो अभी हम लोग वो पीने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अंधेरा ही जा रहा है बार बार, पता नहीं क्या मसला है। तो जी हम जा रहे थे, तो मैंने सोचा सफ़र बोर गुजर है, तो जो है ना वो हम ज़ायरा से कोई ना पहेली पूछते हैं, ठीक है। तो मे भी इसको पता भी होगी, ठीक है ना, वो कौन सा ड्रेस है जो हम पहन नहीं सकते। कौन सा ड्रेस है जो हम पहन नहीं सकते? देखें जी ड्रेस, अब इसका यार वो पता ना हो कोई, मतलब जैसे किसी के घर का पता होता वो क्या नहीं? मतलब बताओ ना, लफ्ज बताओ। कौन ड्रेस सा बोला है ना ड्रेस, वो कौन सा ड्रेस है जो हम पहन नहीं सकते? बारबीज का। क्यों नहीं पहन सकते? हम ऑर्डर करें बारबीज का पहने, हम नहीं तो जो माँ बाप की परियाँ होती हैं, जो बहुत अमीर अमीर की बिगड़ी हुई बेटियाँ होती हैं, वो पहन सकती हैं, हम नहीं पहन सकते तो हैं भाई जी। बट ऐसा कौन सा होगा जी, तो देखें भाई क्या होता है। 2000 years later. तो ये जो है ना वो नहीं बता पाई, ठीक है ना, इनको नहीं पता कि ऐसा कौन सा ड्रेस है जो हम पहन सकते, तो वो है एड्रेस। चीटिंग 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 करता है तू। मैंने बोला था ना, ये ही बोला था। मैंने कहा था ना वीलो का पार्ट। एक मिनट, मैंने तुम्हारा है, मैंने कहा था नाम बताओ, बोला मैंने नाम बताओ, इसने नहीं बताया, इसने कहा किसी के घर का पता। अब देखें ये तो कोई ना हुआ ना कि किसी के घर का पता। तो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश थोड़ी सी बोलना सीख लो यार। तो सो ये हार गई है, और हम ये जबरदस्ती आ रही हूँ मैं, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं। चलिए जब हम जगह पे पहुँच गए, हम आपको वो स्लश लेके दिखाते हैं। हाँ जी, तो स्लश तो मैंने ले लिया था, तो फिर ज़ायरा ने जो है ना वो मुझे फ्राइज़ भी खिलाए, तो फिर जो है ना वो उन्होंने बैठ के फ्राइज़ खाई। हाँ जी, तो घर में पहुँच गई थी, आते मैंने चेंज कर लिया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, तो आते जो है ना वो मैंने चेंज किया। उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं,
मेरी सिस्टर ने जो है ना वो कहा कि खाना खा लो, तो उसने कहा कि पहले खाना खा लो बाद में कोई काम। तो उसने पहले आगे मेरा खाना रख दिया कि इसको फिनिश करो बाद में व्लॉग बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है अभी खा लेते हैं हम लोग, तो फिर अब मैं खाना खा लूँ तो फिर मैं आप लोगों से खाना खाने के बाद जो है ना वो मिलती हूँ। सो आप लोग मेरे साथ रहना, ओके गाइस। हाँ जी फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो हमारा ग्राउंड था ना ये अब सूख चुका है प्रॉपर तरीके से, नहीं तो पिछले 3-4 दिनों से तो ये बिल्कुल ही भरा हुआ था पानी से, क्योंकि बारिशों ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है हमारे लाहौर का। आप लोग देख सकते हैं मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हालत है और ये जो है ना वही हमारे घर के बाहर की हालत है, इतना ज़्यादा पानी और आना जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और बस आपको मैं क्या ही बताऊँ, बारिश रुक ही नहीं रही, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। ये तो अभी कम हो गया है। और ये आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी का हाल देख सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पानी यूनिवर्सिटी में ठहरा हुआ था कि हमारा 2-4 दिन यूनिवर्सिटी में आना ही मुश्किल हो गया था। मौसम आज ठीक है, बट गर्मी नहीं है जिस तरह पहले गर्मी पड़ी थी बारिशों से। ये है कि टेम्परेचर जो है ना वो हमारा नॉर्मल हो गया है। तो यूनिवर्सिटी में मेरा दिन आज इसी तरह था कि बस काम काम और सिर्फ काम। अच्छा हाँ जी, तो मैं आप लोग अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने चेंज वगैरह कर लिया, हिजाब वगैरह नहीं किया हुआ मैंने, तो मैं बहुत थक गई थी इस वजह से मुझसे रहा नहीं गया, मैंने चेंज कर लिया। और दूसरी चीज़ ये कि अब मौसम ठीक हो गया है और आज मैं बहुत बिजी थी, मतलब सारे लेक्चर्स 11 से लेके गेन करें 4 बजे तक हम कंसेक्यूटिव जस्ट लेक्चर्स ही लेते रहे हैं। और पिछले दिनों में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं घर से आई थी तो उसके बाद जो है ना वो बारिशों ने 2-4 दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ हो गया, मेरा व्लॉग नहीं बना सकी आप लोगों के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और जो है ना वो क्या कहते हैं, फिर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी फ्राइडे को, सैटरडे संडे मंडे तो मैं वेल नहीं थी, जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। फिर आज ट्यूसडे को मैं यूनिवर्सिटी गई और मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, इतने टाइम बाद में अपनी दोस्तों से मिली तो क्या कहते हैं बहुत अच्छा लगा और आई लव इट। एंड आप लोग ने बस मेरे साथ रहना, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे आगे। तो मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा कंटेंट मैं लेके आऊँ, इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगी। बस थोड़ी सी यूनिवर्सिटी डेज बिजी चल रहे हैं ऊपर से बारिशों की वजह से, तो इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगी मैं। सो आप लोग अभी मुझे दें इजाज़त, ठीक है ना? तो अभी मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है ये वो, तो आप लोग मुझे दें इजाज़त। और मैं आप लोग को बता दूँ कि बहुत ही बुरी खबर है मेरे लिए कि 7 अगस्त से मेरे फाइनल स्टार्ट हो चुके हैं, सो मुझे अब फाइनल की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत ही मैं बिज़ी रहूँगी। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं ज़रूर ज़रूर टाइम निकालूँगी, आप लोगों के अपनी रूटीन शेयर किया करूँगी, आप लोग ने मेरे साथ रहना, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे। सो आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट और जो है ना वो वीडियो को शेयर लाजमी करना है। सो अभी आप लोग दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो ये जो है ना वो मैं बड़े ही तरीके से मैं अपनी खिड़की के अंदर से घुस के आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही थी। अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।